नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने कोरोना काल में लोगों की सहायता करने के लिए पटना में पोलो रोड के पास स्थित अपने सरकारी आवास में कोविड केयर सेंटर तैयार कराया है। इस कोविड सेंटर में बेड, ऑक्सीजन, दवाओं सहित तमाम सुविधाओं की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी लिखकर राज्य सरकार से इसे टेक ओवर करने का अनुरोध भी किया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर राज्य में दौरा करने, पीड़ितों का हाल जानने और उन्हें मदद पहुंचाने की अनुमति देने को कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोग अक्सर बयान जारी कर कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष को स्वयं फ्रंट पर रहकर कोरोना जांच, जीवन रक्षक दवाओं, बेड, ऑक्सीजन तथा अस्पताल सुनिश्चित व सुव्यवस्थित कराने के साथ साथ कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई की अगुवाई करनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि सत्तारूढ़ दलों द्वारा सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय नेता प्रतिपक्ष को खोजने की कवायद को जनता भी इसी दृष्टि से देख रही है। कहा जा रहा है कि हम जिम्मेदार विपक्ष हैं तथा मैं स्वयं भी एक संवैधानिक पद पर हूं। ऐसे में मुझे राज्य के लोगों की समस्या को जानने तथा उसके समाधान हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाली कदमों को जानने तथा जनहित में कमियों को भी सरकार के सामने लाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में अनेकों बार जनहित के मुद्दे उठाने पर मुझ पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने सरकार से खुद और सभी विधायकों को राज्य के किसी अस्पताल, कोविड केयर सेंटर आदि के अंदर जाकर मरीजों और उनके परिजनों से मिलने तथा राहत पहुँचाने, कोविड केयर सेंटर खोलने और सामुदायिक किचन इत्यादि चलाने की अनुमति देने की मांग की है। आगे के अपडेट पर रहेगी हमारी नजर, आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।